Assalamu alaikum everyone, my name is Hamid Hussain and you're watching Commerce Online. In my previous videos, I have discussed in detail how to calculate mean from group data. और आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम ग्रुप डेटा. तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा सो आई विल रिकमेंड यू टू जस्ट क्लिक ऑन द कार्ड ताकि आप देख सकें, समझ सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है मीन को. तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन मौजूद है. क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है. क्लास इंटरवल है हमारे पास 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25. और फ्रीक्वेंसी दी गई है दैट इज 3, 4, 10, 2 and 1. और हमने कैलकुलेट करना है ऑफ कोर्स मीडियन बाय ग्रुप डेटा. तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं. जब मैं बात करता हूँ मीडियन की तो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस एच एफ समीशन एफ अपॉन टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमें ये करना है कि मीडियन के लिए हमें मालूम करनी है मीडियन क्लास. और मीडियन क्लास मालूम करने के लिए हमें समीशन एफ अपॉन टू, ये हमारे पास मीडियन क्लास मालूम करने के लिए फॉर्मूला है. दैट मीन्स हम सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे. मैं जब इस फ्रीक्वेंसी को सम करता हूँ तो 3 और 4 7, 7 and 10 17, 17 and 2 19, 19 और 1 20. तो मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया. सिंपल. अब मैंने यहाँ कहा कि मेरा समीशन एफ 20 है डिवाइडेड बाय 2 और ये मेरे पास आगे मीडियन क्लास 10 है. अब करना क्या है? अब करना ये है कि आपको दो काम करने हैं. पहला काम ये करना है कि आपको क्लास बाउंड्री मालूम करनी है. क्यों मालूम करनी है इसका जवाब थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा. तो चलिए पहले क्लास बाउंड्री मालूम करते हैं. और याद रखिए क्लास बाउंड्री मालूम करना मैं सिखा चुका हूँ इन डिटेल में. तो यहाँ हम थोड़ा सा स्पीड में क्लास बाउंड्री को सॉल्व बनाएंगे. लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्लास बाउंड्री बनाने में तो कार्ड पर क्लिक कीजिएगा और क्लास बाउंड्री किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो देखिएगा. क्लास बाउंड्री बनाने के लिए मैं यहाँ लोअर क्लास में 0.5 को लेस करूँगा. तो जब मैं 1 में 0.5 को लेस करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 0.5. और यहाँ पर अपर क्लास इंटरवल में 0.5 को ऐड कर दूंगा. सो वी हैव 5.5. देन यहाँ पर 6 में 0.5 को लेस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 5.5. 10 में 0.5 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10.5. देन 11 में 0.5 को लेस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10.5. और हेयर 15.5. एज इट इज़ 15.5 एंड 20.5. और यहाँ पर वंस अगेन 21 में से 0.5 को लेस करूँगा तो 20.5 और 25.5. क्लास बाउंड्री बनाने के बाद जो दूसरा काम मैंने करना है वो ये करना है कि मैंने कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी बनानी है जिसको सी एफ से जाहिर करते हैं. कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी बनाने का तरीका भी मैं मोर देन और लेस देन सिखा चुका हूँ और ये स्टूडेंट्स को लाजमी आना चाहिए मोर देन और लेस देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. क्योंकि मीन, मीडियन और मॉड को कैलकुलेट करने के बाद हम मॉड बाय ग्राफ और मीडियन बाय ग्राफ करेंगे. तो जब हम मीडियन बाय ग्राफ करेंगे तो उसमें कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी मोर देन और लेस देन को बनाना और समझना आना चाहिए. तो मैं रेकमेंड करूँगा वंस अगेन कार्ड पर क्लिक कीजिएगा ताकि वो वीडियो भी आप देख के समझ सकें कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है. अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 लिखा. 3 में ये फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे दैट इज 7. 7 में 10 17. 17 में 2 ऐड करेंगे 19. 19 में 1 ऐड करेंगे दैट इज 20.
मैं रिपीट करता हूँ, जो पहली फ्रिक्वेंसी है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, 3 में 4 ऐड किया 7, 7 में 10 ऐड किया 17, 17 में 2 ऐड किया 19, 19 में 1 ऐड किया 20। अब आते हैं कि भाई ये जो मीडियन क्लास का 10 निकाला है क्यों निकाला है, ये इसलिए निकाला है कि अब हम इस 10 को ये देखेंगे कि ये किस कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में लाए कर रहा है आ रहा। तो क्या 3 में 10 आता है? नहीं। 7 में 10 आता है? नहीं। लेकिन 17 में 10 आता है। कैसे काउंट करते हैं देखते हैं ना भाई, 7 में तो 10 नहीं आ रहा क्योंकि 10 7 से बड़ा है, लेकिन 17 में 10 आ रहा है। लिहाजा हमने कहा कि ये जो पूरी क्लास है हमारी, इसको हम बोलेंगे ये है मीडियन क्लास। अब इस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले हमने कहा L, दैट इज लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है और इस मीडियन क्लास में ये हमारी लोअर क्लास बाउंड्री है, मैंने कहा था ना। थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको समझ में आएगा और मैं बताऊंगा कि भाई ये क्लास बाउंड्री क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए और यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल है, तो इसलिए हमने क्लास बाउंड्री को कैलकुलेट किया ताकि जब हमारी मीडियन क्लास आ जाए तो उस मीडियन क्लास से हम लोअर क्लास बाउंड्री को यहाँ एक्सट्रैक्ट कर सके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया L, दैट इज़ फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, जो कि मेरे पास यहाँ पर है 10.5। देन हाइट, हाइट किस तरह निकालेंगे? बहुत ही आसान है हाइट कैलकुलेट करना। किसी भी दो क्लास बाउंड्री में डिफरेंस देख लें, मैं कहूँ 10.5 - 15.5, दैट इज इसका मतलब 15.5 - 10.5, तो मेरे पास हाइट आ रही है 5। क्लियर हुआ? वन रिपीट करता हूँ, आप किसी भी दो क्लास के दरमियान यानी अपर और लोअर क्लास के दरमियान डिफरेंस देख ले, किसी भी, जैसे मैं कहता हूँ 25.5 - 20.5 माइनस कर दें तो हाइट कितना है 5। और याद रखिएगा हाइट कैलकुलेट करना भी सिखाई है सर ने, तो कार्ड पर क्लिक करो जल्दी से और जल्दी से देखो इस वीडियो के बाद, अभी नहीं चले जाना, इस वीडियो के बाद देखना कि किस तरीके से हाइट कैलकुलेट करते हैं। बट फॉर दिस मोमेंट मैंने आपको बता दिया कि अपर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे लिए हाइट है, जिसे मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, दैट इज एफ। तो भाई ये हमारे पास मीडियन क्लास है और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये मेरे पास क्या है, दैट इज 10। ठीक है, और समीशन एफ अपॉन 2 निकाल चुके हैं भाई, 10 है। अब बात आ गई कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पर थोड़ा सा एहतियात करना है। अब आप बोलेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 17 है, नहीं भाई नहीं, 17 नहीं है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास मीडियन क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज 7। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 7। तो डेटा बन गया, अब वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में और आंसर एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह करते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एच एफ समीशन एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ। अब मैंने कहा लोअर क्लास बाउंड्री दैट इज हमारे पास 10.5 है, प्लस हाइट, हाइट हमारे पास 5 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, समीशन एफ अपॉन 2 हमने कहा ये भी 10 ही है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कहा ये 7 है। अब भाई 10.5 यहाँ लिखा प्लस 5 को 10 को, अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, दैट इज़ 1/2, और 1/2 का मतलब है 0.5, एंड देन 10 - 7 आपके पास आएगा 3। अब क्या करूं, पहले प्लस करूं? कभी भी नहीं, कतई नहीं, क्योंकि मैथ का रूल है डी मास, दैट मींस पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई,
फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, शाबाश। तो पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपने कहा 10.5 प्लस 0.5 को 3 से कर दें मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 1.5, और इस 1.5 को फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, और ये आपका मीडियन है। एक राज की बात बताऊँ आपको, आंसर सही है या गलत कैसे पता चलेगा, इस तरह पता चलेगा कि ये जो आपकी मीडियन की जो वैल्यू है ये इस क्लास बाउंड्री के अंदर आनी चाहिए। देखिए 10.5 से 15.5 के दरमियान 12 आता है ना भाई, बोलो हाँ आता है। तो ये आपका मीडियन का आंसर सही है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे खास बात इसके आंसर को हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन पर पोस्ट कीजिएगा, और हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।